हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल success.com। आज हम 26 मार्च के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में तंतर पेरियार वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का 18वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो ये अभी तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभयारण्य बना है। तमिलनाडु अभी फिश प्रोडक्शन में टॉप पे रहा है। फूड सिक्योरिटी इंडेक्स इसमें भी टॉप पे रहा है। ये दोनों में अभी तमिलनाडु क्या है, इनका पोजीशन टॉप है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। सीएम एम के स्टालिन। तमिलनाडु में ही अभी एक फेस्टिवल मनाया गया है जिसका नाम है कार्तिकेई। दीपम रथ फेस्टिवल। तमिलनाडु में ही अभी इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है चेलमपट्टू। तमिलनाडु में ही नीलगिरी की पहाड़ी है, ध्यान रखिएगा, ये मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एबल पुरस्कार किसे दिया गया है? गौतम बोरा, रचना विस्वाद, लुईस कैफरेली या इनमें से कोई नहीं? तो ये दिया गया है लुईस कैफरेली को। इन्हें क्या हो? इन्हें 2023 का एबल पुरस्कार। जिसे हम मैथ्स का नोबेल पुरस्कार भी बोलते हैं। नोबेल प्राइज किनको दिया गया है? लुईस कैफरेली को दिया गया है। अभी बहुत सारे अवार्ड मिले थे। फर्स्ट नंबर बॉम्बे जयश्री को। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो संगीत कला निधि का अवार्ड इनको दिया गया है। सेकंड नंबर है सरस्वती सम्मान 2022। इनको दिया गया है शिव शंकरी। किस पुस्तक के लिए दिया गया है इनको? इनको दिया गया है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए अभी व्यास सम्मान दिया गया है। किनको दिया गया है? ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी। ये किस चीज के लिए दिया गया है इनको? तो इनका बुक है पागल खाना। इस चीज के लिए इनको दिया गया है। इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है, बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया गया है इंडिया, इंडिया को मिला है। ये मिला किस लिए है इंडिया को? अभी मैंने कल ही बताया था कि इंडिया में उड़ीसा स्थान पे, उड़ीसा स्टेट में राउरकेला 15th हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है। ये इस वर्ल्ड कप हॉकी में इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करवाया है, इसलिए इंडिया को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड दिया गया है। इसके विजेता कौन रहे थे? तो जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन। तो इतना ध्यान रखिएगा। हाल ही में उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रही है? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अभी इंडिया के कई शहरों में स्थापित की जा रही है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, स्टेडियम खोला जा रहा है, बहुत तरीके की चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो रही है। तो ये रुड़की में है, देहरादून में है, हल्द्वानी में है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है हल्द्वानी, उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून। ये क्या है? समर कैपिटल है, विंटर कैपिटल है। सेकंड कैपिटल क्या है? गैरसेन। ये है हमारा समर कैपिटल। उत्तराखंड में ही राजा जी नेशनल पार्क है, जो कि हाथियों के लिए फेमस है, फूलों की घाटी है, राजा जी नेशनल पार्क। यहाँ पे यहाँ का सबसे पुराना, इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। अब इसका नया नाम क्या बदलकर कर दिया गया है? तो रामगंगा नेशनल पार्क। इतना ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है? हल्द्वानी। हाल ही में किस देश में पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाला ड्रोन का परीक्षण किया है? परमाणु सक्षम हमला करने वाला, ये किसने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। उत्तर कोरिया, देखा होगा आपने, इसका पोजीशन पूरे वर्ल्ड में चाइना से थोड़ा सा बगल में है, प्रशांत महासागर के को टच करता है इसका बाउंड्री, तो नॉर्थ कोरिया। इसकी कैपिटल क्या है? प्योंगयांग। इनके डिक्टेटर का नाम क्या है? किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो 38th पैरेलल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कौन सी लाइन है? 38th पैरेलल। इतना ध्यान में रखिएगा। हाल ही में किस कंपनी के सह संस्थापक गॉर्डन मूर का निधन हो गया है? गॉर्डन मूर ये को फाउंडर थे किस कंपनी के? इंटेल के। इंटेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सैंटा क्लारा,
कैलिफोर्निया। यूएसए। गॉर्डन मूर, इनका निधन कितने वर्ष की अवस्था में हुई है? तो 94 इयर्स के ये थे, इंटेल कंपनी के को फाउंडर। इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, हेडक्वार्टर सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया यूएसए में है। हाल ही में किस देश के विश्व कप विजेता फुटबॉलर मेसूत ओजिल ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये जर्मनी के हैं, मेसूत ओजिल जर्मनी के हैं, जो कि एक फुटबॉलर है। तो जर्मनी अभी बहुत न्यूज में, ये क्या हुआ है, 15th हॉकी वर्ल्ड कप। इसके विनर रह चुके हैं जर्मनी में अभी। अच्छा, यूनेस्को पीस प्राइज, इसकी विनर थी एंजेल मार्केल। ये कहां की है? ये भी जर्मनी की है। 15th हॉकी वर्ल्ड कप कहां हुआ था? ये हुआ था राउरकेला में, उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है? वृक्ष संपदा योजना ये शुरुआत किया गया है छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के द्वारा। छत्तीसगढ़ में, अच्छा बताइए, छत्तीसगढ़ अभी किस चीज में टॉप पे है? ये कोयला के, कोल प्रोडक्शन में। कोल प्रोडक्शन में टॉप पे है ये इंडिया में। टिन के प्रोडक्शन में भी टॉप पे है। अच्छा, कोयला के प्रोडक्शन में ये टॉप पे है। झारखंड से कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि झारखंड जो है वो भंडारण में टॉप पे है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ करता है, तो इसका आंसर क्या है, छत्तीसगढ़। हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, पहले तो मुझे ये बताइए कि असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? इसका नाम है असम वैभव। ये दिया किसको गया है? तपन सैकिया को दिया गया है। असम नेचुरल गैस के प्रोडक्शन में टॉप पे है। क्रूड ऑयल में नहीं, क्रूड ऑयल में राजस्थान टॉप पे है। एक्चुअली होता क्या है, क्रूड ऑयल में लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो ऑयल फील्ड था असम के डिगबोई में किया गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो असम मार देते हैं क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में। तो नहीं, इसका ध्यान रखना है कि टॉप पे कौन है, राजस्थान क्रूड ऑयल में टॉप पे है, और नेचुरल गैस गैस में कौन टॉप पे है, तो असम। हाल ही में आई डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है? डीजीसीए, इसका फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसकी रिपोर्ट निकली थी, इसके अनुसार इंडिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट है। इंडिया भी इंडियन ओशन में एक एक्सरसाइज करवाया था जिसका नाम है ट्रॉपेक्स।
2023, ये किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा ही करवाया गया है। ला पेरोस, पेरोस में भाग लेने वाला एक इंडिया भी है। इतना आप इंडिया के बारे में ध्यान रखिएगा। ऐसे इंडिया के बारे में बताने लग जाए तब तो खत्म ही हो जाएगा ये। हाल ही में धूम्रपान कानून के लिए किस शहर को स्वास्थ्य के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है? हैदराबाद, चेन्नई, बंगलुरु या मुंबई? इसका आंसर है बेंगलुरु। बेंगलुरु को अभी, अच्छा इसमें तीन चीज ध्यान रखने की, ये किसके द्वारा दिया गया है, कहाँ दिया गया है और किस चीज के लिए दिया गया है। तो पहले तो ये कहाँ दिया गया है, ये लंदन में प्रोवाइड करवाया गया है, लंदन में ये पुरस्कार दिया गया है। सेकंड में ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है स्वस्थ शहरों के लिए। इसको दिया किसके द्वारा गया है, स्वस्थ शहरों की, शहरों के लिए साझेदारी संगठन, इसके द्वारा दिया गया। इसमें दो ग्रुप है, एक WHO है और दूसरा वाइटल स्ट्रेटजीज। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और वाइटल स्ट्रेटजीज का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और अब तीसरा, ये किस लिए दिया गया है, तो ये दिया गया है धूम्रपान में जो अच्छे से जागरूकता अभियान चलाने के लिए और अच्छे प्रयासों के लिए बंगलुरु को धूम्रपान के लिए ये स्वास्थ्य साझेदारी अवार्ड दिया गया है। तो इसका आंसर क्या है, बंगलुरु। अच्छा इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। हाल ही में घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? घोड़े यात्रा नेपाल के काठमांडू में मनाया जाता है। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे एक खेल होता है इसमें घोड़े यात्रा में, तुंडी खेल जिसको कहते हैं। तुंडी खेल, इस खेल में होता क्या है कि वहां के सैनिकों द्वारा, नेपाल सेना के द्वारा घोड़ा का एक रैली निकाला जाता है, उस रैली के द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेपाल की कैपिटल क्या है, काठमांडू, यहीं पे हुआ है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन, पीएम कौन है, पुष्पा कमल, पुष्पा कमल। यहाँ के अभी वाइस प्रेसिडेंट नए बने हैं, राम सहाय यादव। इतना ध्यान रखिएगा इसके बारे में। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।